शेतकऱ्यांच्या ट्रॅक्टर मोर्चाची व्याप्ती केंद्र सरकारच्या लक्षात यायला हवी होती, मात्र गुप्तचर यंत्रणांच्या माहितीची योग्य प्रकारे दखल घेतली गेली नाही, त्याचा परिणाम आता दिसून आलाय, असं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यावर निशाणा साधलाय. मुंबईमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये ते बोलत होते. यावेळी त्यांनी गृहमंत्री अमित शहांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं. शेतकऱ्यांच्या ट्रॅक्टर रॅलीची केंद्र सरकारला आधीपासूनच माहिती होती. या रॅलीमध्ये 25,000 ट्रॅक्टर सहभागी होणार हे देखील सगळ्यांना माहीत होतं. त्यामुळं सगळ्यांनाच हा ट्रॅक्टर मोर्चा किती मोठा असेल याची जाणीव होती. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर अराजकीय घटक एकत्र आले तर उद्रेक होण्याची शक्यता आहे हे गृहमंत्रालयाला लक्षात यायला पाहिजे होतं. मात्र केंद्र सरकारनं सर्व काही माहीत असूनही काहीच केलं नाही. वहाँ पंजाब हरियाणा वेस्ट यूपी एवं राजस्थान वहाँ के किसान सबसे से इतने दिनों से लेते हैं प्रैक्टिकली 5 किलोमीटर का डिस्टेंस का जो क्षेत्र होता है वो सब इन लोगों ने ऑक्यूपाई किया और इतने बड़े पैमाने पर इतनी बड़ी आबादी में संख्या में लोग बैठे रहते हैं भारत सरकार की जिम्मेदारी थी कि इन किसानों की जो बात है उसको सुनने के लिए पॉजिटिव अप्रोच लेकर इनके साथ बातें की. 6-7-8 को चुनाव हो गई निगोशिएशन के और इसकी जिम्मेदारी किसान समिति के सदस्य को इनको जिम्मेदार नहीं पकड़ता हूँ क्योंकि ये सरकार की जिम्मेदारी है कि पॉलिसी अप्रोच की डायलॉग करके इसे रास्ता निकलना वो नहीं किया. इतने दिन ये सब करने के बाद जब किसान संगठन ने और किसानों ने वहाँ तय किया कि कोई रैली करेंगे तो रैली शांतिपूर्ण करने के लिए उनको ठीक तरह से सहयोग देने की आवश्यकता थी. उन्होंने बात की शायद सरकार ने उनको इजाजत दे दी और इजाजत देने के बाद मुझे दूसरे मामले में ही मगर जहाँ तक मैंने सुना है कि आप मीडिया के कुछ शर्तों को पता से दीजिए उन लोगों को जिस रास्ते से आना और जाना इस बारे में ठीक तरह से सलाह देने की आवश्यकता थी वो दिया मैंने और इसलिए वहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया. इस कन्फ्यूजन में वो कन्फ्यूजन वहाँ तक सीमित नहीं रहा तो लोग जो तय हुआ था वो रास्ता चाहे भूल गए होंगे या उनको मालूम नहीं होगा दूसरी तरफ से जाने का काम उन्होंने किया तो इनके ऊपर जो इन घर में जिस तरह से उनके साथ व्यवहार किया बर्ताव किया इसी में परिस्थिति पैदा हुई कि नौबत जो बढ़ गई जो कानून हाथ में लेने के बाद बिल्कुल ठीक नहीं हो समझता मगर कानून हाथ में लेने की स्थिति क्यों आई ये भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते और ये बात साफ दिखाई देती है. इसमें राहुल सरकार ने अपना फर्ज ठीक नहीं उठाया नहीं और इसमें इनकी पूरी जिम्मेदारी इनसे होता है. पंजाब हरियाणा का किसानों को हम लोगों ने नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि देश की खुद की खेती की सहायता आज सुधार करने के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान है. देश की रक्षा में हमेशा उनका योगदान होता है और इसलिए आज जो कुछ हुआ ये बिल्कुल ठीक नहीं. किसानों की और जब पंजाबी ने प्रत्येक घोषित या देशा ज्यादा वेगा बाहर से सत्तर आई क्या वेगा पंजाब देशाच्या सगळ्या भागाचा पण जिथं पंजाबमधला भाग आहे हा सगळ्यात पुढे होता ते सिनियरचं राज्य
आता आंदोलन खूप वेगळ्या पद्धतीने चिघळले आहे, कदाचित ते अजून देखील चिघळू शकतं. तुमची नेमकी यापुढची भूमिका काय असणार आहे? देशातले इतर पक्ष जे विरोधात होते त्यांना एकत्र घेऊन काही यामध्ये मध्यस्थी करण्याचा काही प्रयत्न करणार आहात का? कारण परिस्थिती चिघळते. प्रमुख आहेत नरेंद्र मोदी पंतप्रधान, त्यांनी कुठलाही डायलॉग केलेला नाही, शेतकऱ्यांशी चर्चा केली नाही किंवा त्यासंदर्भात थेट प्रतिक्रिया दिलेली नाही. साधी सरळ तुम्ही जे म्हणलं की याच्यात इतकं हे सगळं अस्वस्थतेकडे जात आहे की नोंद देश प्रमुखांनी घ्यायची गरज नसती, स्वतः डायलॉग करायला पाहिजे. दिल्लीमध्ये जे लोक असते त्यांच्याशी डायलॉग करायला काय अडचण काय नाही. मुंबईमध्ये काल शांतता आंदोलन पार पडलं, मात्र भाजपने म्हटलेलं आहे की भायखळा आणि भेंडीवाल्यापर्यंत शेतकऱ्यांनी सहभागी होते. भाजपने म्हटले प्रवीण दरेकर विरोधी पक्षाचे की मी कधी काही विधानसभेच्या विधान परिषदेचा विरोधी पक्ष नेता होतो, तर विरोधी पक्ष नेता उन्हा दरात जास्त दिवस पाय सुरलेले असताना सुद्धा चालत येणारा शेतकरी होतो, आदिवासी असेल कुणी असेल, त्या सगळ्यांच्याकडे आपली भूमिकामध्ये येत असताना संयमाने येत असताना विरोधी पक्ष नेता हे जर बोलत असतील महाराष्ट्राचं आणि महाराष्ट्र विधिमंडळाचं मला स्वतःच कमी फरक वाटतं की मी या पदात बसलो तर त्या पदाचं अवमूल्यन कुठल्या पातळी कमी झाले. सर हिंदी नगर आपकी पुस्तकांची लाल किले पे अपने अपने संगठन का झंडा फहराया गया, ये नहीं हुआ यही होना चाहिए. लाल किला जहाँ तिरंगा था वहाँ कुछ हुआ नहीं, दूसरी जगह पर देश का कुछ झंडा आपको रखा ये बात सच है. कोई भी हो लाल किला हो या राष्ट्रपति हो ये तो सिंपली अपने भारत की अच्छा आकांक्षा का प्रतीक है, इसकी इज्जत रखनी चाहिए. इसको कोई जगह नहीं मिला, मगर जो कुछ हुआ ये कहीं की स्थिति ये नवर किसानों के ऊपर क्यों आ गई ये हम बोल रहे हैं. ये सरकार ने समझना चाहिए, जिसके हाथ में इसको होते उन लोगों ने समझना चाहिए कि अपना कदम इस तरह से लेना चाहिए कि जिस कदम से इस एक्सट्रीम लेवल तक जाने की जरूरत किसी के ऊपर नहीं आ रही. कभी रात तक ये आंदोलन कई बार हुई, इससे पहले ये फाइलिंग भी है जो मैंने देखा है, मगर एक मेरा किसानों का वर्ग को हिस्से को टारगेट कर उनको चाहे खालिस्तानी है एंटी नेशनल है इस तरह की उनके बारे में एक भाषा इस्तेमाल करती उनको एक तरह से दूर करने का प्रयास करना, इसकी ये रिएक्शन. सर आप देश के वरिष्ठ नेता है, विपक्ष में आप क्या तमाम दलों को लेकर अपने साथियों को लेकर भी बीच में मध्यस्थ करो या
मीटिंग करेंगे, भूमिका स्पष्ट करेंगे, बात करेंगे ताकि इसका कुछ हल निकल सके। आज नहीं कर सकते, मैं जाऊँगा तो बात तो करनी पड़ेगी, देश के लिए अच्छी बात है, वहाँ शांति कैसी फैला हो जाएगी इसका ध्यान देना ही होगा। मगर जिस तरह से कदम देना ने उठाए उन लोगों को भी इसकी जिम्मेदारी।